तो फाइनली दोस्तों हम इस वीडियो में अध्याय 3 कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा पेपर गणित जो कि आपका 11 तारीख को होने वाला है, अध्याय 3 के 100% पूछे जाने वाले प्रश्न आपको बताए जाएंगे। तो यहाँ पर इस अध्याय से कुल 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से दो दो अंक के दो प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्नों को देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपको एक अलग से वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो दो दो अंक में दो क्वेश्चन जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, बिंदु 4-5 की एक्स अक्ष से दूरी तथा वाई अक्ष से दूरी लिखिए। दूरी का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक भुजोर कोटि का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक निर्देशांक का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय में, तृतीय में या चतुर्थ में है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो दो अंक के दो क्वेश्चन। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार करना है। एक बिंदु दिया गया है, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जो बिंदु दिया गया है, एक बिंदु दिया गया है 4 और 5, तो यहाँ पर हमने 4 और 5 एक बिंदु लिखा। इस बिंदु से आपको एक्स अक्ष की दूरी बताना है, एक्स अक्ष की दूरी और आपको वाई अक्ष की दूरी बताना है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। और इसी बिंदु से आपको वाई अक्ष की दूरी बताना है, बिंदु जो 4-5 है, एक बार आपको एक्स अक्ष की दूरी और एक आपको वाई अक्ष की दूरी बताना है। तो थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देखते ही आंसर बता देंगे। तो जो पहला मान होता है आपको पता है, जैसे यदि हम एक बिंदु लें, मान के चले एक बिंदु 4 और 5 है, इस 4 और 5 में जो पहला मान होता है भाई एक्स का मान होता है, दूसरा मान वाई का होता है और इसमें दूरी पूछी गई है। तो जो एक्स अक्ष की दूरी होती है भाई होता है वाई का मान, और जो एक्स अक्ष की दूरी होती है भाई होता है वाई का मान, और जो वाई अक्ष की दूरी होती है भाई होता है एक्स का मान, अर्थात उल्टा होता है। यदि इस एक बिंदु दिया गया है 4-5, इसमें एक्स अक्ष की दूरी पूछी गई है, तो आप इसमें वाई का मान चेक करेंगे। एक्स की पूछी गई है तो आपको वाई का मान बताना है, एक्स अक्ष की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और वाई की पूछी गई है तो आप एक्स का मान बताएंगे। बस आपको इतना करना है कि जो एक्स अक्ष की दूरी होती है वह वाई का मान होता है, और जो वाई अक्ष की दूरी होती है वह एक्स का मान होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है, इसका आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो पहला मान होता है एक्स का मान होता है लेकिन वाई अक्ष की दूरी होती है, जो पहला मान होता है वह वाई अक्ष की दूरी होती है, और जो दूसरा मान होता है वह एक्स अक्ष की दूरी होती है। तो एक्स अक्ष की दूरी 5 हो जाएगी और वाई अक्ष की दूरी 4 हो जाएगी। इस प्रकार से आंसर होगा। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, निर्देशांक 3 और 5 में भुज तथा कोटि का मान बताइए। तो यहाँ पर आपको एक बिंदु दिया गया है 3 और 5, इसमें आपको भुज और कोटि का मान बताना है। तो भुज और कोटि का मान आप आसानी से बता सकते हैं। तो जो पहला मान होता है, पहला मान एक्स का होता है और दूसरा मान जो होता है वाई का। एक्स का जो मान होता है पहला मान, इसे हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और जो दूसरा मान होता है वाई का मान, इसे हम कोटि कहते हैं। तो पहला मान भुज, भुज का मान 3 हो जाएगा, दूसरा मान वाई अक्ष, वाई अक्ष अर्थात वाई का मान कोटि होता है, तो कोटि का मान 5 हो जाएगा। इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया बिंदु 4-3 की भुज व कोटि का मान, तो पहला जो मान होता है वह भुज होता है, एक्स का मान, भुज का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, कोटि का मान 3 हो जाएगा। एक्स के मान को भुज कहते हैं, वाई के मान को कोटि कहते हैं। इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। जैसे 5वें क्वेश्चन में पूछा है बिंदु 5-7 में भुज व कोटि का मान बताइए। तो जो पहला मान होता है वह भुज होता है, एक्स का मान भुज, और जो दूसरा मान वाई का मान वह कोटि होता है, तो भुज का मान 5 और कोटि का मान 7 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे 6वां क्वेश्चन है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। 2-4 का भुज और कोटि का मान लिखिए। तो जो पहला मान होता है, जो एक्स का मान होता है या भुज होता है, भुज का मान 2 हो जाएगा, कोटि का मान 4- हो जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो इसको आप थोड़ा सा रफ में समझ लीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले, तो जो आड़ी लाइन होती है इसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, जो कि एक्स अक्ष होता है, और जो खड़ी लाइन होती है इसे हम वाई अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। तो इस प्रकार से यह एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष का धनात्मक सिरा, और यह एक्स अक्ष का डैश होता है अर्थात ऋणात्मक सिरा। यह वाई अक्ष होता है, इस तरह वाई अक्ष की धनात्मक संख्या होती है और नीचे जो है वाई अक्ष की ऋणात्मक संख्या होती है।
और जो एक्स अक्ष होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, जो एक्स अक्ष होता है इसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा, क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। और जो वाई अक्ष होता है इसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या होते हैं। तो क्षैतिज रेखा जो होती है भाई एक्स अक्ष होती है, यह जो होती है क्षैतिज रेखा होती है जिसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, और जो खड़ी रेखा होती है अर्थात जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसे हम वाई अक्ष कहते हैं। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि एक्स अक्ष व ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष, यहाँ पर क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष को कहते हैं व ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष को कहते हैं। और जहाँ पर ये दोनों बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं अर्थात क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जहाँ ये दोनों बिंदु मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इस बिंदु को हम जीरो जो होता है इसे हम मूल बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो जीरो जीरो होते हैं इस प्रकार से। तो आप प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इसके बाद चतुर्थांश किसे कहती है, एक अंक में या दो अंक में पूछी जा सकती है। तो कार्तीय तल को, जो कार्तीय तल होता है इस प्रकार से, जैसे हमने इस पेज पर जो है कार्तीय तल बनाया, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, कार्तीय तल द्वारा एक कार्तीय तल है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा, यहाँ पर इसे कितने भागों में विभाजित किया जाता है, चार भागों में, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, चार भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग जो है क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है, क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। तो कार्तीय तल को क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा चार भागों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कार्तीय तल को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा, इस कार्तीय तल को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा चार भागों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि बिना बिंदुओं को अलग किए बताइए कि वे किस चतुर्थांश में स्थित हैं। कोटि 5 दी गई है और भुज माइनस 3 दिया गया, आपको बताना है कि यह किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो सबसे पहले आप चतुर्थांशों के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे सबसे पहले हमें यदि एक चित्र बनाए, सबसे पहले होता है एक्स अक्ष जिसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं इस प्रकार से, और एक होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष अर्थात वाई अक्ष इस प्रकार से, जिसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। इस तरफ एक्स अक्ष होता है, इस तरफ एक्स अक्ष का ऋणात्मक अक्ष होता है, यह धनात्मक अक्ष होता है और यह वाई अक्ष का ऋणात्मक अक्ष होता है। यहाँ पर बीच में जीरो होता है, एक्स के इस तरफ जो है धनात्मक संख्याएँ होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ इस प्रकार से। इस तरफ एक्स की ऋणात्मक संख्या होती है माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5, और आगे भी संख्या अनंत तक होती हैं। इस तरफ वाई की धनात्मक संख्या होती हैं प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5 और प्लस का 6। इस तरफ जो है वाई अक्ष की ऋणात्मक संख्या होती हैं ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, ऋण का 4 और ऋण का 5। यह होता है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में एक्स का मान भी धनात्मक होता है, वाई का मान भी धनात्मक होता है, इसे हम जो है प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इसके बाद इसमें एक्स का मान तो ऋणात्मक होता है लेकिन वाई का मान जो है धनात्मक होता है, इसलिए द्वितीय चतुर्थांश में एक्स का पहला मान ऋणात्मक होता है, दूसरा मान धनात्मक होता है। तो यह जो होता है द्वितीय चतुर्थांश होता है, कौन सा होता है, द्वितीय चतुर्थांश। इसके बाद तृतीय चतुर्थांश में एक्स का मान भी ऋणात्मक होता है अर्थात पहला मान भी ऋणात्मक होता है और दूसरा मान वाई भी जो है यह भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, अर्थात दोनों संख्या ऋण और ऋण की होती हैं। किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स का मान तो धनात्मक होता है लेकिन वाई का मान जो होता है ऋणात्मक होता है, तो धन ऋण होता है, तो यह होता है चतुर्थ चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में, इस प्रकार से होता है चतुर्थ चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में दोनों संख्या धनात्मक होती हैं, पहली संख्या धन की और दूसरी संख्या धन की। द्वितीय चतुर्थांश में पहली संख्या माइनस की होती है, दूसरी संख्या प्लस की। तृतीय चतुर्थांश में दोनों संख्या हमेशा ऋणात्मक होंगी और चतुर्थ चतुर्थांश में पहली धनात्मक दूसरी ऋणात्मक। इस प्रकार से आप किसी भी बिंदु को चेक कर सकते हैं कि वह किस चतुर्थांश में स्थित है।
तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कोटि 5 है और भुज 3 है, तो यहाँ से यदि आप बिंदु बनाएंगे तो पहला मान आपको पता है जो x का मान होता है उसे हम भुज कहते हैं, जो y का मान होता है उसे हम कोटि कहते हैं। तो भुज का मान इसमें कितना दिया गया है, -3, और कोटि का मान 5 दिया गया है। तो -3 और 5, यदि आप -3 देखेंगे, x में -3 यहाँ पर मिल जाएंगे और y में आपको 5 देखना है, y अक्ष में 5 यहाँ पर मिल जाएंगे। तो माइनस और प्लस, अर्थात माइनस और प्लस के चतुर्थांश में होता है द्वितीय चतुर्थांश, माइनस के 3 और प्लस के 5 यहाँ पर दोनों मिल जाएंगे, तो यह किस चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा, यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश। किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में यह स्थित होंगे, इस प्रकार से आंसर होगा। दूसरा है भुज का मान -5 है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला मान जो होता है भुज का मान होता है और दूसरा मान जो होता है वह कोटि का मान। पहले हम x के मान को लिखते हैं और x के मान को भुज कहते हैं, भुज का मान -5 है और कोटि का मान -3 है। तो दोनों संख्या माइनस और माइनस किस चतुर्थांश में होता है, माइनस और माइनस दोनों संख्या तृतीय चतुर्थांश में, तो यह किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तृतीय चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। इसके बाद भुज, x का मान सबसे पहले हम x का मान लिखेंगे जो कि भुज होता है, -5 दिया गया है, कोटि का मान 3 दिया गया, तो माइनस के 5 प्लस के 3, अर्थात माइनस और प्लस किस में होता है, माइनस और प्लस द्वितीय चतुर्थांश में होता है। किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में होता है माइनस प्लस, तो यह किस चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा, माइनस और प्लस द्वितीय चतुर्थांश में। तो इसका आंसर क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश होगा, क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, कोटि का मान 5 है और भुज का मान 3 है, तो सबसे पहले जो x का मान होता है उसे हम भुज कहते हैं, तो भुज का मान को हम सबसे पहले लिखेंगे, भुज का मान 3 है, कोटि का मान कितना है 5, और दोनों संख्या 3 और 5 प्लस और प्लस के हैं, तो धन और धन की संख्या प्रथम चतुर्थांश में होती है, तो यह किस चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा, 3 और 5 प्रथम चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इस प्रकार से आपको कोई भी 2 या 3 बिंदु दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि यह बिंदु जो है किस चतुर्थांश में स्थित है। जैसे माइनस के 3 और 5 आपको बताना है कि किस चतुर्थांश अथवा किस अक्ष पर निम्नलिखित बिंदु स्थित हैं। तो -3 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है, माइनस और पहला मान माइनस का दिया गया, दूसरा प्लस का, तो केवल आपको चिन्हों को ध्यान रखना है, माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में स्थित होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। तो इसका आंसर क्या होगा कि -3 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, द्वितीय चतुर्थांश में, यह लिखा गया है। दूसरा है 4 - 1, अर्थात प्लस के 4 दिए गए हैं, माइनस का 1 दिया गया है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, यह किस चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, 4 - 1 चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। इसके बाद 3 और 0, यहाँ पर चूंकि चतुर्थांश में स्थित नहीं होगा क्योंकि बाई का मान यहाँ पर 0 दिया गया है, यदि और कोई संख्या होती तो आप अक्ष बता सकते थे कि यह किस चतुर्थांश में स्थित है, लेकिन यहाँ पर केवल x का मान दिया गया, y का मान 0 दिया गया है, तो यह किस अक्ष में स्थित होगा, x अक्ष पर स्थित होगा। यदि आप 3 और 0 को दर्शाएंगे तो x में आप ढूंढेंगे तो 3 कहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ पर मिल जाएंगे, और y में आप 0 देखेंगे तो यहीं पर मिल जाएंगे, तो यह किस अक्ष पर स्थित हो जाएगा, इसी x अक्ष पर स्थित हो जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तर भी लिखा गया है कि जो बिंदु 3 और 0 है x अक्ष पर स्थित होगा। इसके बाद 2 और 2, दोनों संख्याएं धनात्मक हैं और दोनों संख्याएं धनात्मक किस चतुर्थांश में होती हैं, प्रथम चतुर्थांश में। तो इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसकी सहायता से। यदि आपको पता है कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों संख्याएं धनात्मक होती हैं, अर्थात पहली संख्या धन की, दूसरी संख्या धन की, द्वितीय चतुर्थांश में पहली संख्या तो ऋणात्मक होती है, दूसरी संख्या धन की होती है, तृतीय चतुर्थांश में दोनों संख्या ऋणात्मक होती हैं, पहली संख्या माइनस की और दूसरी संख्या भी माइनस की, चतुर्थ चतुर्थांश में पहली संख्या धनात्मक और दूसरी संख्या ऋणात्मक। इस प्रकार से आप अक्ष को भी बता सकते हैं, किसी भी बिंदु को दर्शा भी आप सकते हैं और चतुर्थांश भी बता सकते हैं कि किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस जरूर करें, इनको आपको अच्छे से हल करके देख लेना है।
तो यहीं से जो है आपके दो दो अंक के दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भोज और कोटि का मान पूछा जाएगा। जैसे यदि हम आपसे कहें कि -3 और -5 में भोज और कोटि का मान बताइए, तो पहला मान भोज होता है जो एक्स का मान होता है, भोज का मान -3 हो जाएगा, और दूसरा जो मान होता है वाई का मान, इसे हम कोटि कहते हैं, तो कोटि का मान कितना होगा, 5 होगा। और आप चतुर्थांश भी बता सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार से इतने क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना है। केवल अध्याय जो 3 है इसमें से दो दो अंक के दो ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम अध्याय 4 सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय गणित वार्षिक पेपर के लिए, जो कि आपका 11 तारीख को होने वाला है। तो यहाँ पर इस अध्याय से जो है अध्याय 4 से कुल 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से दो दो अंक के दो प्रश्न और 4 अंक में आपसे विकल्प पूछे जाएंगे। तो दो दो अंक के बहुत ही कम क्वेश्चन हैं, इस प्रकार का एक क्वेश्चन, इस प्रकार का एक क्वेश्चन, दो हल ज्ञात कीजिए या 3 हल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, 2-3 बार यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से क्या है, दुगनी है। कैसे, यदि नोटबुक की कीमत 5 रुपये है तो कलम की कीमत के क्या है, दुगना है। यदि मान के चले कलम की कीमत 10 रुपये है तो जो नोटबुक की कीमत है वह दुगनी है कलम की कीमत से। इसलिए यदि कलम की कीमत 10 रुपये है तो नोटबुक की कीमत कितनी होगी, 10 का दुगना 20 रुपये होगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन में बोला गया है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में आपको लिखना है। दो चरों में अर्थात आपको किन्हीं भी दो चरों में, ज़्यादातर हम दो चर, चर क्या होते हैं, ए से लेकर जेड तक ज़्यादातर जो चर यूज होते हैं एक्स और वाई उपयोग करते हैं। तो एक्स और वाई के रूप में आपको दो चरों के रूप में एक समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल। सबसे पहले हम मान के चले कि जो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे कि नोटबुक की कीमत, मान के चले कि नोटबुक की कीमत कितनी है, 100 रुपये है। नोटबुक की हम कीमत मानेंगे क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि नोटबुक की कीमत कितनी है, तो नोटबुक की कीमत हमने मान के चले कितनी है, 100 रुपये है, और कलम की कीमत हमने मान के चले 2 रुपये है। तो इस प्रकार से हमने माना नोटबुक की कीमत 100 रुपये और कलम की कीमत कितनी है, 2 रुपये है, इस प्रकार से हमने माना। इसके बाद आपको प्रश्न अनुसार एक समीकरण बनाना है दो चरों वाला, जिसमें आप एक्स और वाई दोनों का प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न के अनुसार आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक नोटबुक की कीमत जो है कलम की कीमत से दुगनी है, अर्थात जो कलम की कीमत है नोटबुक की कीमत के क्या है, दुगना है। तो नोटबुक की कीमत जो है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो नोटबुक की कीमत है, नोटबुक की कीमत क्या है, एक कलम की कीमत से क्या है, दुगनी है। तो नोटबुक की कीमत क्या हो जाएगी, दुगनी, मतलब 2 का गुणा हो जाएगा। किसकी कीमत से, कलम की कीमत से। तो बराबर हमने क्या लिखा, कलम की कीमत। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब दो नोटबुक की कीमत हमने 100 रुपये माना है तो 2x हो जाएगा बराबर में, कलम की कीमत हमने 2 माना तो 2x बराबर 2, या फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 को इस तरफ ले आए और 2x को इस तरफ, तो 2 बराबर 2x। यह दो चरम वाला एक रैखिक समीकरण हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है कि बताइए कि निम्नलिखित हल में जो है समीकरण x-2y = 4 का एक हल है या नहीं। जो 0 और 2 एक बिंदु दिया गया, आपको चेक करके बताना है कि इस समीकरण का हल है या नहीं। तो आप x की जगह, पहला मान x का होता है, x की जगह आप 0 रखेंगे इस समीकरण में। y की जगह आप कितना रखेंगे, जो दूसरा मान होता है y का होता है, यहाँ पर y की जगह आप 2 रखेंगे और इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। यदि दोनों पक्ष कैसे आ जाएं, बराबर आ जाएं, अर्थात इस तरफ भी 4 आ जाए और इस तरफ भी 4 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि जी 0 और 2 है समीकरण का हल है। और यदि दोनों पक्ष बराबर ना आए तो हम कह सकते हैं कि 0 और 2 बिंदु हैं समीकरण के हल नहीं है। इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल दिया है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर आप लिखेंगे। यहाँ पर हमने लिखा हल दिया है, एक समीकरण दिया गया है, जो समीकरण दिया गया है यहाँ पर सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे। जो समीकरण है x-2y = 4 दिया गया है और आपको चेक करना कि हल है या नहीं। एक बिंदु दिया गया है, जो बिंदु दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 और 2 दिया गया है।
तो यहाँ पर इसलिए पहला मान जो होता है वह एक्स का होता है, तो एक्स बराबर हम जीरो रखेंगे। दूसरा मान वाई का होता है, तो वाई बराबर हम दो रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण में एक्स बराबर दो तथा वाई बराबर दो रखने पर, तो जैसे ही हम रखेंगे एक्स की जगह कितना रखेंगे, जीरो रखेंगे, माइनस चिन्ह जाके था दो आ जाएगा। वाई की जगह कितना रखेंगे, यहाँ पर दो रखेंगे, बराबर में चार जाके था। अब जीरो को आप हटा सकते हैं क्योंकि जीरो को ना ही हम जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, और यहाँ पर माइनस चिन्ह जाके था, दो का गुणा दो के साथ होगा, चार आ जाएगा बराबर चार। आप देख सकते हैं एक तरफ माइनस का चार है, एक तरफ प्लस का चार है, दोनों बराबर नहीं है। यार बराबर का चिन्ह होता है, जब बराबर नहीं होते तो बीच से हम इसको क्रॉस कर देते हैं, तो माइनस चार बराबर नहीं है प्लस चार के, इसलिए हम कह सकते हैं कि जीरो और दो जो बिंदु है, जो बिंदु जीरो और दो है, इस समीकरण का हल नहीं है क्योंकि दोनों पक्षों के आंसर बराबर नहीं है। इस तरफ माइनस चार है, इस तरफ प्लस के चार है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बिंदु जीरो और दो है, समीकरण जो समीकरण दिया गया है x माइनस दो वाई बराबर चार का हल नहीं है। क्या नहीं है, हल नहीं है। इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे, इनका आप स्क्रीन शॉट लेते जाइए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर सात के कोई भी दो या तीन हल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको दो या तीन हल कैसे ज्ञात करना है, तो आप x के कोई भी, यदि आपको दो हल ज्ञात करना है तो x के कोई भी दो मान, मन से कोई भी आप रख सकते हैं, x के 0, 1, 5, 10, 15, माइनस के 10, माइनस के 20, कोई भी संख्या आप रख सकते हैं। जितने हल ज्ञात करना उतने आप x के मान रखेंगे और उतने ही आपके y के मान आएंगे। यही इस प्रकार से आपके दो या तीन हल हो जाएंगे। इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल दिया है, एक रैखिक समीकरण दिया गया है, रैखिक समीकरण दिया गया 2x प्लस वाई बराबर सात दिया गया है। यहाँ पर हमें, जैसे हमें यदि आपको तीन हल ज्ञात करना बता दें या दो, जैसे यहाँ पर हमें तीन ज्ञात करना है, तो मन से आप कोई भी x के कोई भी, यदि आपको तीन हल ज्ञात करना है तो x के आप कोई भी तीन मान रखें, और जितनी छोटी आप x का मान रखेंगे उतना छोटा आपका आंसर आएगा, आपका y का मान भी आएगा। जैसे यदि हम x का मान जीरो रखें तो x बराबर जीरो रखने पर, x बराबर मन से रखना है आपको, तो इस प्रकार से आपका एक हल हो जाएगा। x का मान अगली बार आप दूसरा रखेंगे तो दूसरा हल हो जाएगा, x का मान अगली बार आप तीसरा मान रखेंगे तो इस प्रकार से आपके तीन हल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम x बराबर जीरो रखेंगे इस समीकरण में तो दो आ जाएगा, x की जगह जीरो आ जाएगा, प्लस y बराबर सात आ जाएगा। दो का गुणा जीरो के साथ करेंगे, पूरी संख्या जीरो बन जाएगी, प्लस y बराबर सात, तो y का मान कितना हो जाएगा, सात, एक हल हो जाएगा। अब इसके बाद हम x बराबर, इसके बाद जगह नहीं है, थोड़ा सा हम लाइन खींच के सॉल्व कर सकते हैं। x का मान अब की बार हम दूसरा रखेंगे, जैसे यदि हम एक रख दें, दो रख दें, माइनस का एक रख दें, तो आप कोई भी मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण में x बराबर एक रखने पर, इस समीकरण में हम x की जगह एक रखेंगे तो हमने एक लिखा, प्लस y जाके था बराबर सात जाके था। सॉल्व करेंगे तो दो एकम दो होगा, प्लस y आ जाएगा बराबर हम सात लिखेंगे। यहाँ से यदि हम y का मान निकालें तो सात जाके था, प्लस के दो का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो माइनस का दो हो जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, सात में से दो को कटाएंगे पाँच, दो हल हो जाएंगे। इसके बाद जो तीसरा हल, x का मान आप कोई भी मान रख दें, आप चाहें तो माइनस का एक भी रख सकते हैं। जैसे यदि हम लिखें x बराबर माइनस एक रखने पर, कोई भी आप मान रख सकते हैं, दो, चार, छः, दस, बीस, तो x बराबर हमने लिखा माइनस एक रखने पर इस समीकरण में, तो दो हमने लिखा, x की जगह माइनस एक रखेंगे, प्लस y जागे था और बराबर हमने सात लिखा। सॉल्व करेंगे तो दो का गुणा एक के साथ करेंगे तो माइनस का दो आ जाएगा, प्लस का y आ जाएगा बराबर सात जागे था। इसके बाद यहाँ से हम मान निकालेंगे y का, तो सात जागे था, माइनस दो का पक्षांतर इस तरफ करेंगे, प्लस का दो हो जाएगा, तो y का मान सात और दो नौ हो जाएगा। इस प्रकार से आपके तीन हल हो जाएंगे, इसलिए आप तीनों हल को लिख सकते हैं। इसलिए रैखिक समीकरण के जो तीन हल होंगे, तीन हल कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे, जब हमने x का मान जीरो रखा, पहला मान x का होता है, तो y का मान कितना आया, सात आया, एक हल। दूसरा हल में जो हमने जब x का मान एक रखा तो y का मान कितना आया था, पाँच, तो दूसरा हल हो जाएगा। तीसरे हल में जब हमने x का मान माइनस एक रखा तो y का मान कितना आया, नौ आया। इस प्रकार से समीकरण के तीन हल होंगे, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा।
इसके बाद इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। सेम क्वेश्चन दिया गया है कि रैखिक समीकरण कोई भी आ जाए तो इस प्रकार से आप आसानी से दो या तीन हल आप ज्ञात कर सकते हैं, चार हल भी आप ज्ञात कर सकते हैं। रैखिक समीकरण दिया गया x बराबर चार वाई के कोई तीन हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा। आप चाहें तो x के मान भी रख सकते हैं, y के मान भी रख सकते हैं। y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा, x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा। दोनों प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है, जो भी रैखिक समीकरण दिया गया हम रैखिक समीकरण को लिखेंगे x बराबर चार वाई। जैसे हम इस क्वेश्चन में y का मान रखें, आप चाहें तो x का मान भी रख सकते हैं। दोनों प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपका गलत नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर यदि हम y का मान रखें, y बराबर जैसे हम जीरो रखें, कोई भी संख्या आप रख सकते हैं मन से। y बराबर जीरो रखने पर इस समीकरण में तो x जाएंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर चार आ जाएगा, y की जगह जीरो आ जाएगा। चार का गुणा जीरो के साथ करेंगे तो एक y बराबर जीरो रखने पर x का मान जीरो आएगा, एक हल हो जाएगा। इसके बाद हम y बराबर कितना रखेंगे, अभी हमने जीरो रखा, आप चाहें तो एक रख सकते हैं। तो y बराबर एक रखने पर y की जगह हम कितना रखेंगे, एक रखेंगे। तो x को जाएंगे तो हमने लिखा चार, y की जगह कितना रखेंगे, एक रखेंगे। चार का गुणा एक के साथ करेंगे, चार एकम चार होगा तो x का मान चार होगा, दूसरा हल हो जाएगा। तीसरे हल में हम y का मान कोई भी संख्या रख सकते हैं, जैसे हम दो रख दें तो y बराबर दो रखने पर इस समीकरण में x को हमने जाके तहाँ लिखा चार, जाके तहाँ y की जगह y का मान कितना रखेंगे, दो रखेंगे। चार का गुणा दो के साथ करेंगे तो चार दो नहीं आठ होगा। तो इस प्रकार से आप दो या तीन हल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखेंगे इसलिए इस रैखिक समीकरण के तीन हल, जो रैखिक समीकरण है x बराबर चार वाई के तीन हल कौन कौन से हो जाएंगे। तीन हल जो होंगे, जब हमने y का मान जीरो रखा तो x का मान कितना आया, जीरो आया, पहला हल हो जाएगा। दूसरे हल में जब हमने y का मान एक रखा तो यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि पहला जो मान होता है x का होता है, तो x की जगह हम चार रखेंगे, पहला मान x का होता है। दूसरा मान y का होता है तो चार और एक हो जाएगा। तीसरे हल में x का मान कितना दिया गया है, आठ दिया गया है, और y का मान दो दिया गया। तो इस प्रकार से तीन हल हो जाएंगे। इस प्रकार से आप आसानी से इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी जो NCERT बुक है उसमें से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और दिया गया, पांचवा क्वेश्चन, कि समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 0 के दो हल ज्ञात कीजिए। कितने हल ज्ञात करना है, दो हल ज्ञात करना है। तो आप x की कोई भी या y के कोई भी, आप चाहें तो x के भी रख सकते हैं, y के भी रख सकते हैं। दोनों प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है, जो भी समीकरण दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे, जो समीकरण दिया गया, सबसे पहले हम समीकरण को लिखेंगे। तो जो समीकरण दिया गया है कुछ इस प्रकार से, 2x प्लस 5y बराबर 0 दिया गया। हमें दो हल ज्ञात करना, तो हम x के कोई भी या y के कोई भी मान रख सकते हैं। जैसे हमने लिखा x बराबर 0 रखने पर, यहाँ पर हम x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, प्लस 5y हमने जाके तहाँ लिखा बराबर में 0 जाके तहाँ। सॉल्व करेंगे दो का गुणा 0 के साथ करेंगे, 0 आ जाएगा, प्लस 5y जाके तहाँ बराबर में 0 जाके तहाँ। जीरो को आप हटा सकते हैं और यहाँ से आप y का मान निकालेंगे तो जो गुणा में 5 है, 0 के बटे 5 है, और 0 के बटे कोई भी संख्या तो पूरी संख्या 0। तो x बराबर 0 रखने पर y का मान भी 0 आएगा, एक हल हो जाएगा। दूसरा हल ज्ञात करेंगे तो x का मान आप कोई भी दोबारा से कोई भी मान रख सकते हैं। जैसे हम एक रख दें x बराबर एक रखने पर, तो इस समीकरण में हम x की जगह एक रखेंगे, प्लस 5y जाएंगे तो बराबर में 0, तो एकम दो हो जाएगा, प्लस 5y जाएंगे तो बराबर में 0 जाएंगे तो। तो यहाँ से यदि हम y का मान निकालें तो 5y प्लस 2 का पक्षांतर इस तरफ करें तो माइनस का 2 होगा। 0 को हम हटा सकते हैं, y का मान निकालेंगे तो जो गुणा में 5 है बटे में आ जाएगी संख्या बराबर के इस तरफ, तो y का मान माइनस 2 बटे 5 होगा, दो हल हो जाएंगे। तीसरा हल ज्ञात करेंगे तो x का आप कोई भी मान रख सकते हैं। जैसे हम x बराबर 2 रख दें तो यहाँ पर हमने लिखा x बराबर 2 रखने पर इस समीकरण में, तो 2 हमने लिखा, x की जगह 2 रखा, प्लस 5y जाएंगे तो बराबर में 0 जाएंगे। सॉल्व करेंगे 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 4 आ जाएगा, प्लस 5y जाएंगे तो बराबर में 0 जाएंगे। सॉल्व करेंगे तो 5y जाएंगे तो
जीरो को आप हटा सकते हैं, प्लस का चार इस तरफ आएगा बराबर के इस तरफ, तो माइनस का चार हो जाएगा। बाई का मान निकालेंगे तो जो गुणा वाली संख्या होती है बटे में आ जाती है, तो माइनस के चार बटे पाँच हो जाएंगे। इस प्रकार से आप लास्ट में लिख भी सकते हैं। ये समीकरण के दो हल, क्योंकि हमने तीन आपको बता दिए हैं, आप दो भी ज्ञात कर सकते हैं, दस भी ज्ञात कर सकते हैं, तीन भी। तो इस समीकरण के दो हल, जीरो जीरो पहला हल हो जाएगा, एक और माइनस दो बटे पाँच दूसरा हल, दो और माइनस चार बटे पाँच तीसरा हल, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक छः है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि आपको एक्स बराबर दो दिया गया है, वाई बराबर एक दिया गया, एक समीकरण दिया गया है का एक हल हो। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो से तीन बार यहाँ पर पेपर में पूछा गया है, इसलिए आप इसको अच्छे से सॉल्व करके देख लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही सरल है, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल दिया है, जो भी समीकरण दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले एक समीकरण दिया गया है तो यहाँ पर हम समीकरण को लिखेंगे। तो जो समीकरण दिया गया है इस प्रकार से, दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर के दिया गया है, और यहाँ पर हमें एक्स बराबर दो और वाई बराबर एक पर के का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम लिखेंगे कि इस समीकरण में एक्स बराबर दो तथा वाई बराबर एक रखने पर, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम दो रखेंगे और वाई की जगह वाई का मान एक रखेंगे, वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इस समीकरण में हम रखते हैं दो, एक्स की जगह एक्स का मान दो रखेंगे, प्लस चिन्ह जहाँ के तहत तीन, वाई की जगह वाई का मान एक रखेंगे, बराबर में हम के लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। दो का गुणा दो के साथ चार आ जाएगा, तीन का गुणा एक के साथ तीन एकम तीन होगा, बराबर में के होगा, चार और तीन को प्लस करेंगे सात आ जाएगा बराबर के, तो सात बराबर के, या फिर आप लिख सकते हैं के बराबर सात। तो आता है के का मान कितना होगा, सात होगा। इस प्रकार से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु तीन और चार समीकरण तीन वाई बराबर ए एक्स प्लस सात के आलेख पर स्थित हैं, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात हम जो बिंदु दिया गया, पहला मान एक्स का होता है तो एक्स की जगह हम तीन रखेंगे इस समीकरण में, और दूसरा मान वाई का होता है तो वाई की जगह हम चार रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से आप ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, सबसे पहले आपको एक समीकरण दिया गया, उस समीकरण को हम लिखेंगे दिया है। एक समीकरण दिया गया, जो समीकरण दिया गया कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तीन वाई बराबर ए एक्स प्लस सात दिया गया है, और यहाँ पर हम जो बिंदु दिया गया, पहला मान एक्स का होता है तो एक्स की जगह कितना रखेंगे, तीन रखेंगे, और दूसरा मान वाई का होता है तो वाई की जगह चार रखेंगे, इस समीकरण में रखने पर और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो तीन हमने जाएंगे तो लिखा वाई की जगह वाई का मान चार रखेंगे, बराबर चिन्ह जाएंगे तो ए, एक्स की जगह कितना रखेंगे, तीन रखेंगे और प्लस सात जाएंगे तो सॉल्व करेंगे तो तीजों के बारह हो जाएगा, और तीन का गुणा ए के साथ करेंगे थ्री ए आ जाएगा, प्लस सात जाएंगे तो आ जाएगा। यहाँ से आप ए का मान निकालेंगे, तो आप चाहें तो संख्याओं को एक तरफ कर सकते हैं, या फिर आप ए वाले पद को इस तरफ ले आए, तो प्लस के तीन ए इस तरफ आएंगे तो माइनस का तीन ए हो जाएगा, प्लस के साथ पहले से इस तरफ हैं जाएंगे तो रहेंगे, सिर्फ प्लस के जो बारह हैं बराबर के इस तरफ से इस तरफ आएंगे तो माइनस के बारह हो जाएंगे। माइनस के तीन ए को हमने जाएंगे तो लिखा, बारह में से हम सात को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर यदि आप घटाएंगे तो पाँच बचेंगे, कितने बचेंगे पाँच, लेकिन माइनस के पाँच बचेंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, दोनों तरफ से माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो थ्री ए बराबर कितना बचेगा पाँच। ए का मान आप निकालेंगे तो जो गुणा वाली संख्या होती है बटे में आ जाती है, गुणा में तीन है तो बराबर के इस तरफ आएगा तो बटे में तीन हो जाएंगे, तो ए का मान पाँच बटे तीन होगा। आप लास्ट में लिख भी सकते हैं कि अतः ए का मान कितना होगा, पाँच बटे तीन होगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इस अध्याय का जो लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि आपको एक रैखिक समीकरण दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इस रैखिक समीकरण को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात आपको इस समीकरण को जो है इस जैसा बनाना है, जिस प्रकार से यह लिखा गया है उसी प्रकार से आपको इस समीकरण को लिखना है और ए बी सी के मान आपको बताना है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल दिया है, एक रैखिक समीकरण दिया गया तो हम रैखिक समीकरण लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा दिया है। तो जो रैखिक समीकरण दिया गया कुछ इस प्रकार से दिया गया है, रैखिक समीकरण
जो रैखिक समीकरण है माइनस का 2x + 3y = 6 दिया गया है। और इस समीकरण को हमें इस रूप में व्यक्त करना है तो हम लिखेंगे, इसलिए रैखिक समीकरण को जो है यहाँ पर आप दोबारा से भी लिख सकते हैं कि जो रैखिक समीकरण 2x + 3y = 6 को इस रूप में व्यक्त करने पर ax + by + c = 0 के रूप में लिखने पर या व्यक्त करने के रूप में व्यक्त करने पर, इस प्रकार से आपको लिखना है व्यक्त करने पर, अर्थात इस समीकरण को हम इस जैसा बनाएंगे। इस जैसा कैसा बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं x वाला पद है तो यहाँ पर हम x वाला पद लिखेंगे 2x, फिर इसके बाद y वाला पद है तो पहले से दिया गया तो 3y को हमने जाके था लिखा। इसके बाद हमें चाहिए प्लस सी, प्लस सी का अर्थ क्या होता है कि ये बराबर के इस तरफ अचर पद होना चाहिए, अचर पद अर्थात संख्या होना चाहिए, लेकिन संख्या तो बराबर के इस तरफ है, जब बराबर के इस तरफ संख्या आएगी तो प्लस का 6 इस तरफ आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, और बराबर में कोई भी संख्या नहीं है तो बराबर में क्या बचेगा 0। आप देख सकते हैं जैसे कि ये समीकरण दिया गया उसी रूप में यह हमारा समीकरण रैखिक समीकरण व्यक्त हो चुका है, तो इस प्रकार से आप व्यक्त कर सकते हैं। अब यहाँ से यदि आप तुलना करेंगे इस समीकरण की तुलना इस समीकरण जैसे, क्योंकि सेम समीकरण हो गया, बराबर में 0 है, यहाँ पर अचर पद है, वाई वाला पद है, फिर एक्स वाला पद है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस समीकरण की तुलना करने पर। जैसे ही आप तुलना करेंगे तो ए का मान आएगा, बी का मान आएगा, सी का मान, एक्स की तुलना एक्स से तो ए का मान कितना होगा, -2 होगा, तो ए का मान -2 हो जाएगा। y की तुलना y से होगा तो b का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो b का मान हम 3 लिखेंगे। अचर पद की तुलना अचर पद के साथ तो c का मान कितना होगा, -6 होगा, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो कुछ इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अध्याय 4 से केवल आपको 8 क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना है, इसी में से आपका पेपर आएगा, तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो है अध्याय 5 है युग्लिड की ज्यामिति का परिचय। इस अध्याय में से कुल आपसे 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 अंक का केवल एक ही क्वेश्चन आएगा और 1 अंक में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 2 अंक का यहाँ से इस अध्याय से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा अथवा शायद 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। क्वेश्चन है कि यह ज्ञात है कि x + y = 10 दिया गया है, और दिया गया है पहले से कि x = z है, x = z है, दर्शाना है कि z + y = b कितना होगा, 10 होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन 2-3 बार पूछा भी गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि x + y = इसका मान 10 दिया गया है, और यह भी दिया गया है कि x = z है, हमें सिद्ध करना है या दर्शाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दर्शाना है कि या सिद्ध करना है, क्या दर्शाना है कि z + y का मान भी कितना होगा, 10 होगा। इसलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसके अनुसार जो आपको दिया गया है इसको आपको लेना है, और इसको आपको कुछ भी करके इस प्रकार से आपको इसकी बराबर सिद्ध करना है। तो जो भी क्वेश्चन में आपको दिया गया है x + y = 10 दिया गया, इस प्रकार से हमने लिखा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चूँकि पहले से दिया गया कि x = z दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, तो हम x की जगह क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों जो हैं बराबर हैं। तो यहाँ पर इस x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, प्लस y हम जाके तहाँ लिखेंगे, बराबर 10 लिखेंगे। पीछे आप लिख भी सकते हैं क्योंकि x और z कैसे हैं, बराबर हो रही है, हमें दिया गया है, तो आप देख सकते हैं इसको हमने लिया और इसको हमने इसके बराबर ला दिया, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यही हमें दर्शाना था। देख सकते हैं आप z + y = 10, तो इस प्रकार से यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं या फिर सिद्ध कर सकते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद यह क्वेश्चन भी 2 या 3 बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 2 बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है, अर्थात ए और बी के बीच में एक बिंदु सी स्थित है कि ए सी बराबर कैसा है, बी सी है, तो आपको सिद्ध करना है कि AC = 1/2 AB होता है, ये आपको सिद्ध करना है, एक चित्र खींचकर आपको बताना है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, केवल आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है।
तो सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। मान के चले जैसा भी क्वेश्चन में बताया गया कि दो बिंदु ए और बी, हम मान के चले एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। इस प्रकार से हमने दो बिंदुओं को माना, इस प्रकार से आप मान सकते हैं। हमने एक बिंदु, दो बिंदु माने, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी। इसके बीच में बताया गया कि एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी और बी सी बराबर हैं, अर्थात सी को आपको जो लेना है बीचों बीच लेना है, इस लाइन के आपको बीचों बीच लेना है, ताकि जो है ए सी और जो बी सी आपस में कैसे हो जाएं, बराबर हो जाएं। ए सी और बी सी आपस में कैसे हो जाएं, बराबर हो जाएं। यदि ए सी 2 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप स्केल से लाइन खींचेंगे तो आसानी से आप चित्र बना सकते हैं। तो मान के चले कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे, हल दिया है। जो भी क्वेश्चन में आपको दिया गया है आपको लिख लेना है कि दो बिंदु हैं। इस प्रकार से आप लिखेंगे कि दो बिंदुओं, क्वेश्चन में पहले से दिया गया है कि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है, एक बिंदु सी स्थित है। और कैसा स्थित है कि ए सी और बी सी आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। जितनी लंबाई ए से सी तक की होगी उतनी ही लंबाई बी से सी तक की होगी। यदि 2 सेंटीमीटर ए सी की है तो बी सी की भी 2 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से हमें दिया गया है और आपको सिद्ध करना है कि ए सी बराबर 1/2 AB। अब इसके बाद यहाँ पर आप इसकी सहायता से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो दिया गया है आपको कुछ नहीं करना है, दिया गया है ए सी बराबर बी सी। इसमें आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में, बायां पक्ष में भी और दायां पक्ष में भी आपको ए सी जोड़ देना है। क्या कर देना है, ए सी जोड़ देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में ए सी जोड़ने पर, दोनों पक्षों में ए सी को जोड़ने पर। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ए सी पहले से दिया गया, इसमें हम एक ए सी जोड़ेंगे, बराबर में बी सी दिया गया है इसमें भी हम ए सी जोड़ेंगे। तो एक ए सी और एक ए सी, जैसे एक एक्स और एक एक्स 2x हो जाएंगे, इसी प्रकार से एक ए सी और एक ए सी कितने हो जाएंगे, 2 AC। अब बी सी प्लस ए सी, बी से सी तक की लंबाई और ए से सी तक की लंबाई, यदि 2 सेंटीमीटर बी सी है और ए सी भी 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी जगह जैसे 2 और 2 4 है तो इसको हम ए बी के बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी और बी सी से मिलके भी क्या बना है, पूरा ए बी बना है। तो बी सी और ए सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। अब चूंकि हमें ए सी के बराबर सिद्ध करना है तो हम ए सी को जाके तहाँ लिखेंगे, और जो गुणांक की संख्या होती है बराबर के इस तरफ आती है तो बटे में आ जाती है। तो ए सी बराबर यहाँ पर 1 माना जाता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, बटे में 2 पहले से है, इंटू ए बी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया कि ए सी बराबर 1/2 A × B। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3, यहाँ से एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन में आपसे परिभाषा पूछी जाएंगी। इन 5 परिभाषाओं में से कोई 1 या 2 परिभाषाएं पूछी जाएंगी, जैसे समांतर रेखा की परिभाषा, लंब रेखा किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं। 5 परिभाषाओं को आपको तैयार करना है, क्योंकि 2 अंक का केवल 1 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फटाफट आप इन परिभाषाओं का स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कुछ इस प्रकार से, सबसे पहले समांतर रेखाओं की परिभाषा दी गई है कि वे 2 सीधी रेखाएं जिन्हें अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर एक दूसरे से कभी नहीं मिले, समांतर रेखा कहलाती हैं। ये भी समांतर सीधी, चित्र भी आपको बनाकर देख लेना है। हमारे पास जो है बहुत ही कम समय, क्योंकि कल आपका पेपर है 11 तारीख को, इसलिए आप फटाफट इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, समांतर रेखाओं की परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद लंब रेखाएँ, तो लंब रेखा वे 2 सीधी रेखाएँ जिनके मध्य का कोण 90 अंश हो, इस प्रकार से अर्थात एक समकोण हो, लंब रेखाएँ कहलाती हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद रेखाखंड की परिभाषा, तो किसी सीधी रेखा के किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी रेखाखंड कहलाती है,
इस प्रकार से रेखाखंड का चित्र भी बनाया गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद वृत्त की त्रिज्या, तो किसी वृत्त के केंद्र से उसके परिधि के किसी बिंदु की दूरी उस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इस प्रकार से आपको चित्र भी अच्छे से बनाकर देख लेना है। इसके बाद वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग की परिभाषा कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण एक समकोण हो, वर्ग कहलाता है। इस प्रकार से तो अध्याय 5 से केवल आपको इतने ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। यहीं से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप अध्याय 1 से 5 तक इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद जो है हम अध्याय 10 के क्वेश्चन समझने वाले हैं। अध्याय 10 का नाम है हीरोन का सूत्र। यह अध्याय हम पहले क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और इसमें से जो है 4 अंक का एक क्वेश्चन और 1 अंक में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यहाँ से दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, जो कि बहुत ही सरल होता है हीरोन के सूत्र का। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 60 मीटर, 100 मीटर और 140 मीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर हमें दिया गया त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, तो मान के चले त्रिभुज की जो भुजाएं, मान के चले हीरोन के सूत्र में ए बी सी होता है, इसलिए पहली भुजा को हमने ए माना। कितनी दी गई है? 60 मीटर दी गई है। दूसरी भुजा को हमने बी के बराबर माना, तो यहाँ पर इस कितनी दी गई है? 100 मीटर दी गई है। और तीसरी भुजा को हमने सी मान के चले, कितनी दी गई है? 140 मीटर। हमें हीरोन के सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, जो हीरोन का सूत्र है, सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। यह एक अंक में पूछा भी जाता है। हीरोन का जो सूत्र होता है, कणी के अंदर S, S माइनस A होता है, S माइनस B होता है और S माइनस C होता है। जो S होता है या क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। S क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप का जो सूत्र होता है, S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2 होता है। और जो परिमाप का सूत्र होता है, a प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं का योग होता है। तो इसमें हमें s की ज़रूरत होती है और a, b और c के मान की ज़रूरत होती है। यदि हमें अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर पता हो और a, b, c के मान पता हो, अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान, तो आप हीरोन के सूत्र की सहायता से इसमें आप रखेंगे इस क्वेश्चन को, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें ए बी सी के मान की ज़रूरत है, तो ए बी सी के मान ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब हमें एस की ज़रूरत है, अर्थात अर्ध परिमाप की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। इसलिए जो त्रिभुज के अर्ध परिमाप का सूत्र होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज के जो अर्ध परिमाप एस सेमी पैरामीटर का जो सूत्र होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग करेंगे और बटे में 2 करेंगे। तो पहली भुजा ए की जगह ए का मान 60 रखेंगे प्लस चिन्ह, बी की जगह बी का मान 100 रखेंगे प्लस चिन्ह, सी की जगह सी का मान 140 रखेंगे और बटे में 2 लिखेंगे। तो एस का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप तीनों को जोड़ेंगे तो 140 और 60 कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। 100 जोड़ेंगे 300 हो जाएंगे, और 300 बटे 2, 2 से आप डिवाइड करेंगे, 300 के आधे कितने होते हैं? 150। तो 150 जो है एस का मान हो जाएगा इतने मीटर, यह एस का मान हो जाएगा। अब आपके पास एस का मान आ चुका है, ए बी सी का मान पहले से है, तो आप इस मान को आप हीरोन के सूत्र अर्थात त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, उस सूत्र को आप लिखेंगे। इसलिए जो सूत्र होता है हीरोन के सूत्र से, हीरोन का सूत्र अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र को ही हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, हीरोन का सूत्र अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, इस प्रकार से हम इसको डेल से दर्शा सकते हैं। कणी के अंदर जो होता है S, S माइनस A होता है, S माइनस B होता है और S माइनस C होता है। सभी के हम मान रखेंगे यहाँ पर। तो S, S कितना दिया गया है? जो अर्ध परिमाप है 150 है, तो यहाँ पर हमने S की जगह 150 लिखा। इसके बाद हम S की जगह S का मान 150 रखेंगे, माइनस A की जगह A का मान कितना दिया गया है? 60 दिया गया, तो हमने 60 लिखा।
दूसरे कोष्टक में फिर एस एस का मान कितना रखेंगे, 150 माइनस चिन्ह जाएंगे था, बी की जगह बी का मान कितना रखेंगे, यहाँ पर 100 रखेंगे। तीसरे कोष्टक में एस एस की जगह एस का मान 150 रखेंगे, माइनस चिन्ह जाएंगे था, सी की जगह सी का मान कितना रखेंगे, 140। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम घटाएंगे तो 150 को हमने जाके तहाँ लिखा, 150 में से 60 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। 150 में से 100 को माइनस करेंगे तो 50 बचेगा। यहाँ पर 150 में से 140 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब इसके बाद आप इन सभी के गुणनखंड निकालेंगे और जोड़ी बनाकर जो है कणी से बाहर निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इनको आपको रफ में निकाल कर देखना है। सबसे पहले 150 के हम गुणनखंड निकालेंगे, यहाँ पर आप देखते जाइए 150 के हमें गुणनखंड निकालना है तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है गुणनखंड आप निकाल सकते हैं। 150 लास्ट में 0 है, 2 से भाग करेंगे, 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 15 में 2 सत्ते 14 बचेगा 1, हो जाएंगे 10, 2 पंचे 10। अभी यहाँ पर जो है 3 से भाग जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 एक विषम संख्या है, 3 का भाग 7 में 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6 बचेगा 1, हो जाएंगे 15, 3 5 15। फिर 5 से करेंगे तो 25 और 5 एकम 5। 150 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इस प्रकार से आप गुणनखंड लिखेंगे। फिर इसके बाद आप 90 के निकालेंगे, क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 से भाग करेंगे, 2 का भाग 9 में 4 बार जाएगा, 2 चौके 8 बचेगा 1, हो जाएंगे 10, 2 पंचे 10। फिर यहाँ से 3 से भाग जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 एक विषम संख्या, 3 एकम 3 बचेगा 1, हो जाएंगे 15, 3 5 15। फिर 3 से करेंगे 3 5 15 और 5 एकम 5, तो 90 की जगह 90 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर आप 50 के निकालेंगे तो 50 के अभाज्य गुणनखंड लास्ट में 0 है, 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बचेगा 1, हो जाएंगे 10, 2 पंचे 10। फिर 5 से 5 25, 5 एकम 5, तो 50 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 इंटू 5, इस प्रकार से हो जाएंगे। अब 10 के अभाज्य गुणनखंड आप निकालेंगे तो 10 में 2 का भाग जाएगा, 2 पंचे 10 होगा और 5 एकम 5 होगा, तो 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 होगा। इसके बाद आप चाहें तो क्रम से संख्याओं को लिख सकते हैं, 2 सबसे पहले आप लिखेंगे, 2 जितनी बार हैं 2 2 को आप लिख दीजिए, फिर 3 3 है 3 को एक बार में लिख दीजिए, 5 और 5 है 5 को आप एक बार लिख दीजिए, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, आप जोड़ी बना सकें। 2 कितनी बार हैं, 1 2 3 और 4 बार, 2 कितनी बार हैं, 4 बार, तो सबसे पहले हमने 2 को लिखा। फिर इसके बाद 3 कितनी बार हैं, 1 2 3 तीन बार है, तीन, तो हमने तीन को तीन बार लिखा कुछ इस प्रकार से। फिर इसके बाद 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है 5, तो हम 5 को 6 बार लिखेंगे, 2 3 4 5 और इस प्रकार से हमने 6, 5 को हमने 6 बार। अब हम जोड़ी बनाएंगे, दो दो की जोड़ी बनती है, ध्यान रखना है आपको, एक बार दो की जोड़ी बनेगी दो बाहर आएगा, फिर दो की जोड़ी बनेगी इंटू का चिन्ह लगेगा, फिर दो बाहर आएगा, तीन की जोड़ी बनेगी एक तीन बाहर आएगा, लेकिन एक तीन तो बचेगा क्योंकि सिंगल की जोड़ी कभी नहीं बनती है। फिर पाँच की बनाएंगे तो पाँच की जोड़ी बन जाएगी, एक पाँच बाहर आएगा, दूसरे पाँच की जोड़ी बन जाएगी, दूसरा पाँच आ जाएगा, तीसरे पाँच की जोड़ी बनेगी, तीसरा पाँच बाहर आ जाएगा। फिर अंदर कहानी के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर केवल तीन बचेगा, क्या बचेगा, केवल तीन। बाहर वाली संख्या को आप गुणा करेंगे तो दो दूनी चार होगा, चार का गुणा आप तीन से करेंगे, चार तिया बारह होगा, 12 पंजे 60 होगा, 60 का गुणा आप 5 के साथ करेंगे तो 300 होगा, 300 का गुणा आप 5 के साथ करेंगे तो 1500 हो जाएगा, कितना आएगा 1500, आप गुणा भी कर सकते हैं। और कर्णी 3, और यहाँ पर सभी का जो क्वेश्चन दिया गया मीटर में दिया गया है, और क्षेत्रफल को जो है हम वर्ग मीटर में नापते हैं, इसलिए इसका जो क्षेत्रफल होगा 1500 कर्णी 3 वर्ग मीटर होगा, इस प्रकार से यही आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आप हीरोन के सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 2, एक त्रिभुजाकार पार्क एबीसी की भुजाएं 120 80 मीटर एवं 50 मीटर हैं, तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले आपको इसमें ए बी सी के मान की ज़रूरत होती है, जो कि पहले से दिया गया, पहला मान ए का, दूसरा बी का, तीसरा सी का। फिर आप एस का निकालेंगे अर्ध परिमाप, तीनों भुजाओं का योग करेंगे बटे में दो करेंगे। फिर आप फार्मूला लगाएंगे हीरोन का सूत्र अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल जो दिया गया है, मान के चले जो त्रिभुजाकार पार की पहली भुजा होगी, पहली भुजा को हमने ए माना, कितनी हो जाएगी 120 मीटर। दूसरी भुजा को हमने बी के बराबर माना, कितनी हो जाएगी 80 मीटर। तीसरी भुजा को हमने सी के बराबर माना, कितनी हो जाएगी 50 मीटर हो जाएगी। इस प्रकार से अब यहाँ पर हमें एस की ज़रूरत होती है, इसलिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जो सेमी पैरामीटर होता है एस होता है, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में दो होता है। मान यहाँ पर निकालेंगे तो ए की जगह ए का मान कितना रखेंगे 120 रखेंगे, प्लस चिन्ह जाएंगे तो बी की जगह कितना रखेंगे 80, प्लस चिन्ह जाएंगे तो सी की जगह सी का मान 50 रखेंगे बटे में दो लिखेंगे। तो एस का मान कितना हो जाएगा 120 और 80 200 हो जाएंगे, और 50 कितने हो जाएंगे 250 बटे में दो। यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो एस का मान होगा 250 के आधे कितने होते हैं 125। डिवाइड भी आप करेंगे तो दो एकम दो होगा, दो दूनी चार होगा, बचेगा एक हो जाएंगे 10, दो पंचे 10, तो एस का मान 125 मीटर होगा। इस प्रकार से बस आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल में एस और ए बी सी के मान की ज़रूरत होती है। आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात जो पार्क है त्रिभुज के आकार का है। इसलिए आप लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फार्मूला था इसको हम डेल से दर्शाते हैं। अंडर रूट अर्थात कर्णी के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस वी और एस माइनस सी, इस प्रकार से होता है। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो एस की जगह एस का मान कितना रखेंगे 125, एस की जगह 125 रखेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे, ए की जगह ए का मान जो पहली भुजा है कितनी है 120 है, तो हमने 120 लिखा। एस की जगह कितना रखेंगे 125 रखेंगे, माइनस चिन्ह जाके तो बी की जगह बी का मान कितना रखेंगे 80 रखेंगे। एस की जगह कितना रखेंगे 125 रखेंगे, माइनस चिन्ह जाके तो सी की जगह सी का मान कितना रखेंगे 50 रखेंगे। और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 125 को हमने जाके तो लिखा, 125 में से 120 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 125 में से आप 80 को घटाएंगे, तो यहाँ से यदि आप 125 में से 80 को माइनस कर दें को तो कुछ इस प्रकार से 5 बचेगा, 2 के 12 हो जाएंगे, 12 में से 8 घटाएंगे 4 बचेगा, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 45 बचेंगे। इसके बाद 125 में से आप 50 को घटाएंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको घटा लेना है, 125 में से आपको 50 को घटाना है, 5 में से 0 नहीं घटेगा 5 आ जाएगा, 2 के 12 हो जाएंगे, 12 में से 5 7 और यहाँ पर कट जाएंगे तो कितने बचेंगे 75 बचेंगे। अब इनके आपको अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिखना है, तो आइए यहाँ पर सबसे पहले रफ में हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो है आपको 125 के निकालना है, तो आप 125 के निकालेंगे, 125 के कुछ इस प्रकार से हम निकालेंगे। लास्ट में 5 है तो 5 का भाग करेंगे, 5 का भाग 12 में 2 बार 5 दूनी 10 बचेगा, यहाँ पर 2 हो जाएंगे 25, 5 25, फिर 5 का भाग 25 में 5 बार, 5 का भाग 5 में 1 बार, तो 125 के जो गुणनखंड हो जाएंगे यहाँ पर आप लिखते जाइए कितने 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5। इसके बाद 5 के तो 5 ही होंगे, 5 लिखा, 45 के आप निकालेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है इसलिए यहाँ पर 3 का भाग करेंगे, 3 एकम 3 होगा बचेगा कि हो जाएंगे 15, 3 × 5 15 है, फिर 3 से करेंगे 3 × 5 15, 5 एकम 5, तो 45 के बाद गुणनखंड 3 × 3 × कितना होगा 5 होगा। 75 के आप निकालेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है तो 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6 बचेगा एक हो जाएंगे 15, 3 × 5 15, 5 × 25 5 × 5 तो 75 के हो जाएंगे 3 × 5 × 5। इसके बाद आप क्रम से सभी संख्याओं को लिख सकते हैं। सबसे पहले 3 कितनी बार है, 3 को आप लिख लीजिए छोटी संख्या को, 3 कितनी बार है 1 2 3 बार है 3,
तो 3 × 3 × 3 हमने लिखा, 5 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार है, तो 5 को हमने 7 बार लिखा, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 5 को हमने जो है 7 बार लिखा। इसके बाद हम जोड़ी बनाएंगे, 3 की एक बार में जोड़ी बनेंगे 3 बार आएंगे, लेकिन 1 3 अंदर बचेगा, इंटू 5 की एक बार जोड़ी बनेंगे 1 5 बार, दूसरी बार 5 की जोड़ी 5 बार, तीसरी बार 5 की जोड़ी तीसरे 5 बार, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेंगे और यहाँ पर 1 5 बचेंगे। गुणा करेंगे तो इनको गुणा होगा, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का जितना आएगा इससे होगा, इन तीनों का जितना गुणाएंगे इससे करेंगे गुणा, 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 75 होगा, और 75 का गुणा आप किससे करेंगे, इस 5 से करेंगे, तो 5 × 25 = 5 हासिल 2 आ जाएंगे, 5 × 7 = 35 और 2 = 37 आ जाएंगे, 375 आ जाएगा, और कर्णी के अंदर 3 × 5 = 15, तो 375 कर्णी 15, और क्वेश्चन मीटर है तो मीटर और क्षेत्रफल वर्ग में नापते हैं, तो 375 कर्णी 15 वर्ग मीटर इतना क्षेत्रफल इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद इस अध्याय का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2 से 3 बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। एक त्रिभुजाकार भूखंड जो प्लाट की भुजाओं का अनुपात दिया गया 3:5:7 है और इसका परिमाप 300 मीटर है, इस भूखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ABC के मान की ज़रूरत होती है और S अर्थात अर्ध परिमाप की ज़रूरत होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं ABC के मान अभी हमारे पास नहीं है, रियल में अनुपात में दिए गए हैं, तो हम मान के चलेंगे कि A का मान 3x होगा, B का मान 5x होगा और C का मान 7x होगा, और यहाँ पर दिया गया कि इसका जो परिमाप है 300 मीटर है। सॉल्व करेंगे, यहाँ से ABC का मान निकालेंगे और अर्ध परिमाप निकालेंगे और हिरोन के सूत्र की सहायता से यहाँ पर हम भूखंड, जो त्रिभुजाकार भूखंड है, इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, मान के चले जो त्रिभुजाकार भूखंड है इसकी हम पहली भुजा जो A है इसको हम मान के चले, A को हमने 3x के बराबर माना और B को हम जो है 5x के बराबर मानेंगे और C को जो है हमने 7x के बराबर माना, और दिया गया है इसका परिमाप अर्थात जो त्रिभुजाकार भूखंड है त्रिभुज का परिमाप दिया गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज का जो परिमाप दिया गया है 300 मीटर दिया गया है, तो यहाँ पर हमने 300 मीटर लिखा। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी होता है बराबर हमने 300 लिखा। अब A की जगह A का मान हमने कितना माना 3x, तो 3x लिखेंगे, प्लस B की जगह B को हमने 5x माना, 5x लिखेंगे, C की जगह C को हमने 7x माना, बराबर हमने 300 लिखा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5 × 3 = 8 और 7 कितने हो जाएंगे, 15x हो जाएंगे, तो 15x बराबर 300 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 300 जो गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी, डिवाइड करेंगे तो 15 × 2 = 30 हो जाएगा, 0 जाएंगे था, तो जो x का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 20 मीटर होगा। अब चूंकि हमें x का मान नहीं चाहिए, हमें ABC के मान चाहिए, तो जो हमने A को माना था, A को कितना माना था 3x, तो 3x की जगह हम x का मान रखेंगे, कितना रखेंगे 20, तो 20 दिया 60, A का मान कितना होगा 60 मीटर होगा। जो हमने B माना था, B कितना माना था हमने 5x, तो 5 × x की जगह x का मान 20 रखेंगे तो 20 × 5 = 100, तो B का मान 100 मीटर होगा। अब C जो है हमने कितना माना था 7x, तो 7 × x की जगह 20 रखेंगे, गुणा करेंगे तो 140 आ जाएगी, 140 मीटर। अब हमारे पास A, B और C के मान आ चुके हैं, अब यहाँ से हम S अर्थात त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे हीरोन, और फिर इसको हम हीरोन के सूत्र में रखेंगे, जो अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर होता है, A प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। A की जगह A का मान रखेंगे, कितना रखेंगे 60 मीटर है, प्लस चिन्ह, B की जगह B का मान कितना आया है 100 मीटर, तो 100 रखेंगे, प्लस चिन्ह, सी की जगह सी का मान 140 रखेंगे और बटे में 2 करेंगे, तो 140, 60, 200 और 100 कितने हो जाएंगे 300, और 300 बटे 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक कम 2 का बचेगा एक हो जाएंगे 10, 2 पंजे 10, 0 जाएंगे था, तो 150 मीटर जो है S अर्थात अर्ध परिमाप का मान हो जाएगा। अब हमारे पास ABC के मान आ चुके हैं, S का मान आ चुका है,
अब ए बी सी के मान और एस के मान को हम हीरोन के सूत्र अर्थात त्रिभुज के क्षेत्रफल, जो हमें भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, भूखंड जो है त्रिभुज के आकार का है तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हीरोन के सूत्र की सहायता से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कुछ इस प्रकार से होता है, कर्णी के अंदर एस एस माइनस ए होता है, एस माइनस बी होता है और एस माइनस सी होता है। यहाँ से हम मान निकालेंगे तो एस की जगह एस का मान कितना रखेंगे, एस का मान 150 है तो 150 यहाँ पर 150 रखेंगे। माइनस चिन्ह ए की जगह ए का मान कितना रखेंगे, 60 तो यहाँ पर हमने 60 लिखा। एस एस की जगह 150 रखेंगे, माइनस चिन्ह जाके था। बी की जगह बी का मान कितना दिया गया है, 100 तो यहाँ पर हमने 100 लिखा। एस की जगह एस का मान 150 और सी की जगह सी का मान जो दिया गया है कितना, 140 तो 140 रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जो है 150 जाके तहाँ आ जाएगा, 150 में से 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 150 में से 100 को घटाएंगे 50 आ जाएगा। 150 में से 140 घटाएंगे कितना आएगा, 10 आएगा। अब यहाँ से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इनके गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें जो है 150 के गुणनखंड ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमने 150 को लिखा। लास्ट में 0 है, 2 से भाग करेंगे, 2 सप्ते 14 बचेगा, 1 2 पंचे 10। फिर 3 से जाएगा तो 3 दूनी 6 बचेगा, 1 15 3 पाँचे 15। 5 से जाएगा 25, 5 एकम 5। तो 150 की जगह हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इस प्रकार से। 90 के आप निकालेंगे तो चूंकि लास्ट में 0 है, 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8 यहाँ पर बचेगा, 1 हो जाएंगे 10, 2 पंचे 10। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3 बचेगा, 1 15 और 3 पाँचे 15। फिर 3 पाँचे 15 और 5 एकम 5 होगा। तो 90 के आवाज गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। अब इसके बाद 50 के निकालेंगे, लास्ट में 0 है, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 बचेगा, 1 हो जाएंगे 10, 2 पंचे 10। 5 का भाग करेंगे 25, 5 एकम 5। 50 के आवाज गुणनखंड 2 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। इसके बाद 10 के तो 2 इंटू 5 होगा, 2 पंचे 10। अब इसके बाद 2 जितनी बार हैं 2 को आप क्रम से लिख लीजिए, फिर इसके बाद आप 3 को लिख लीजिए और 5 को लिख लीजिए। 2 कितनी बार हैं, 1 2 3 4 बार हैं 2, तो 2 को हमने 4 बार लिखा। 3 कितनी बार हैं, 1 2 3 3 बार हैं 3, तो 3 को हमने 3 बार लिखा। 5 कितनी बार हैं, 1 2 3 4 5 6 बार हैं 5, तो 5 को हमने 6 बार लिखा। कुछ इस प्रकार से 4 5 और 6। अब यहाँ से हम जोड़ी बनाएंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 2 और 2 की एक बार जोड़ी तो 2, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा 2 और 2 की जोड़ी बनेंगी, 2 बाहर आ जाएगा इनटू का चिन्ह। 2 और 2 की जोड़ी बनेंगी, 2 बाहर आ जाएगा। फिर 3 और 3 की जोड़ी बनेगी, 3 बाहर आ जाएगा, 1 3 बचेगा। 5 और 5 की जोड़ी बनेगी, 5 बाहर आएगा। फिर 5 और 5 की बनेगी 5 बार और 5 और 5 की बनेगी 5 बार, लेकिन अंदर 1 3 बचेगा, क्योंकि 3 और 3 3 बार तो 1 बार बचाएगा। अब यहाँ से आप गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 का गुणा 5 से 300, 300 का 5 से 1500, तो 1500 करनी 3 और मीटर में है तो मीटर और वर्ग है तो वर्ग मीटर, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको इन दोनों क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लेना है। समय कम है इसलिए हम आपको समझा नहीं रहे हैं, केवल आपको इस प्रकार से आप चाहें तो इनका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है तो इनका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, तो इनको आपको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद नीचे क्वेश्चन दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज कुछ इस प्रकार से, इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है, इस प्रकार से आंसर दिया गया, इस प्रकार से आपको सॉल्व कर लेना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो अध्याय यहाँ पर जो 10 दिया गया है हीरोन का सूत्र, यहाँ से केवल 4 अंक का एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इतने क्वेश्चन को आप तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।